out, cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the garam mein. Hum log thoda chill kar rahe the yahan pe, so bahut hi enjoy laga. Yahi pe hum log sab ke sab बैठ गए थे, मजा ले रहे थे. एक को देखो ऊपर उठ गया. और सबसे वेरी इंटरेस्टिंग सीन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. ये देखो, कभी देखे हो गया? फर्स्ट टाइम शायद यूट्यूब में कोई दिखा रहा होगा. देखो जंगल में कैसे आग लगता है. वो पूरा जंगल में देख रहे हो, पूरा आग लग चुका है. पूरा ही आग लग चुका है वहाँ पर. देखो क्या खतरनाक नज़ारा है भाई. पूरा जंगल, लिटरली पूरा जंगल जल रहा है मेरे सामने. मैं खुद देख रहा हूँ. खतरनाक दिख रहा है यार. शायद YouTube में पहला बार कोई दिखा रहा होगा आप लोग को लिटरली. और मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था यार. आयरन चिल कर रहा है, KTM भी चिल कर रहा है. ओके मिलते हैं आगे फिर. पर हम लोग भी मस्ती कर ले. क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है जगह? क्या मस्ती ले रहे हो? क्या लग रहा है बस इतना बताओ कमेंट में. और मजे लो. कैसा लग रहा है? लिटरली मैं तो पागल होते जा रहा हूँ. इतना अंदर घुस रहा हूँ ना अंदर. अभी मैं वेस्ट सियांग घुस चुका हूँ अरुणाचल के वेस्ट सियांग से. और मत पूछो, पूछना ही मत यार कि क्या हो रहा है. मुझे खुद नहीं मालूम चल रहा है क्या हो रहा है. खुद समझ नहीं पा रहा मेरे साथ में हो क्या रहा है. क्या मतलब मैं तो लाइक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन पर क्लिक कर देना. जस्ट यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लिया है. थक गया यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया. कुछ समझ भी नहीं आया करना क्या है. तो इसी के लिए थोड़ा देर के लिए ब्रेक लिया. थोड़ा इन्जॉय करते हैं, उसके बाद निकलते हैं. एला मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पे क्या कर रहा है देखो. और ये अरुणाचल में इसको मिथुन बोलते हैं. अरुणाचल में इसको मिथुन बोलते हैं. ये एक तरह का गांव का ही है, कोई जाति मुझे नहीं मालूम है. तो यहाँ पे इसको मिथुन बोलते हैं. और नज़ारा ख़त्म हो ही नहीं रहा. एक ख़त्म होता नहीं है, दूसरा नज़ारा चालू हो जाता है. अभी अभी 50 किलोमीटर मोटा मोटी भी और चलाना है, उसके बाद ही पहुँचेंगे. 2 से 2.5 घंटा में. अच्छा एक ही ब्रेक एक हुआ थोड़ा. मैं तो नहीं कर रहा, थोड़ा सा टाइम फील कर रहा था. आगे चल के बात करते हैं. ए मिथुन, और वालों पहुँचने में अभी 5 किलोमीटर है. किबी तो आई थिंक 50 किलोमीटर जैसा है. और मैं कुछ आप लोग से मतलब आप लोग के साथ में मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ. इसके लिए मैंने अभी दिखा रहा है. कुछ अलग ही है यार ये पहाड़ जो है, कुछ अलग ही है सच में. फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है. मतलब ये क्या है मुझे खुद नहीं मालूम, पर बहुत सुंदर लग रहा है. तो अभी यहाँ से किबी तो 30 किलोमीटर अराउंड होगा और हम लोग पहुँच चुके हैं वालों. देख सकते हैं व्यू ऑफ वालों कितना ही सुंदर है. तो हम लोग वालों पहुँच चुके हैं. आई लव वालों. हाँ आई लव वालों. कितना ही सुंदर नज़ारा है. और ये नज़ारे के लिए तो हम लोग पागल रहते हैं. अब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ सच बताओ तो. और ये ITVP कैंप है, उनका रनवे है फाइटर जेट वगैरह के लिए. यार मन तो करता है यहीं पे सोया जाऊँ, पर अभी बहुत दूर चलना है. चलो फिर चलते हैं आगे. आगे चल के बात करते हैं. यार चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ और मज़े भी आ रहा है.
अरे यार गाय देखने मिला, देखो यहाँ पे गाय नहीं दिखते, यहाँ पे तो मिथुनदा दिखते हैं, देख सकते हो सब जगह पहाड़। और मैं एक मतलब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को, जो आप लोग से शेयर करूँगा, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर भी बोलेंगे जो क्या है ये। देखो ये वाटरफॉल है, फिर वो नीचे गया, वो देखो तीन वाटरफॉल एक साथ है, क्या एपिक रिएक्शन है वह भाई। मैं जो अपने आँख से देख रहा हूँ ना, वो कैमरा कभी जाएगा। सो आप लोग प्लान बनाओ, स्टार्ट करो कि भी तू एक्सप्लोर के लिए। लो अब यही देखना बाकी था, अब यहाँ पर रोड कटिंग में लगा हुआ, अच्छा खासा फंसे हुए, टाइम भी अच्छा जा रहा। But no more, I'ma break out of the chain.